2018 विधानसभा चुनाव की 28 तारीख को जितने भी मतदाता बंधुओं ने प्रजातंत्र की मजबूती के लिए अपना मतदान दिया, उन सबका मैं हृदय से आभारी। आपने अपना निर्णय 28 तारीख को बटन दबाकर किया। इसी तरह पूरे देश में 5 राज्यों का चुनाव हुआ। इन 5 राज्यों के चुनाव में भी अलग अलग समय पर सब जगह मतदान हुआ और सरकारें बनी। 11 तारीख को रिजल्ट आया और परिणाम को हम सबको स्वीकार करना चाहिए और अपने प्रदेश और क्षेत्र के सम्मानी मतदाताओं को आभार व्यक्त करना चाहिए। हम आभारी इस प्रदेश के किसानों के, व्यापारियों के, मजदूरों के, हरिजनों के, आदिवासियों के, जिन्होंने अपना मतदान करके कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में इस प्रदेश में बैठाया। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमारे प्रदेश को एक ऊर्जावान और 18वां मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को सौंपा है। कमलनाथ जी का नेतृत्व और कमलनाथ जी का विकास गुजरात मॉडल से आगे है। हम छिंदवाड़ा जाकर के देखें और गुजरात जाकर के देखें, बहुत परिवर्तन है। जिस तरह से बलराम जी पटेल ने कहा कि वो 136 कंपनियां चलाते हैं, सारी कंपनी फायदे में चलती हैं, तो उनका जो भी कार्य है करने का तरीका है वो एक इतना अच्छा तरीका है कि उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हम सोचते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते थे कि 11 तारीख को रिजल्ट आए और 21 तारीख को कर्जा माफ हो जाए। भाइयों, सरकार बनने के 10 दिन बाद कहा था कि जैसे ही सरकार का गठन होगा और 10 दिन में कर्जा माफ होगा, लेकिन रिजल्ट के बाद भी अभी 10 दिन नहीं हुए। 11 के बाद 21 होगी, आज 19 तारीख है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ किया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने कर्जा माफ किया और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कर्जा माफ किया किसानों का। ये परिपाटी इस देश में किसान नेता चौधरी देवीलाल लाए थे। उस समय भी एक बार हुआ था बलराम भाई, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने माफ किया था। उसके बाद इस क्षेत्र का भूमि समतलीकरण का कर्जा माफ हुआ था और समय समय पर बीमे का, बिजली का और मुआवजे का पैसा मिलता। लेकिन आप किसान पुत्र शिवराज सिंह जी चौहान को देखें कि वो किसान का बेटा बोलते हैं अपने आप को, लेकिन उन्होंने कभी किसानों के कर्जे माफ करने की बात नहीं की। आज फिर एक उद्योगपति जो किसान के दर्द को जानता है, उन्होंने इस प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ किया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में यह निर्णय लेने के लिए कहा है कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और जो दूसरी बैंकों का कर्जा हम किस तरह माफ कर सकते हैं, इसको भी हमें प्रस्तुत किया जाए। और वो सारे फैसले कैबिनेट में आते हैं, मंत्रिमंडल की समिति, और मंत्रिमंडल उसमें निर्णय लेता है। अभी कांग्रेस पार्टी या हमारी सरकार का मंत्रिमंडल नहीं बना, और मंत्रिमंडल बनने के साथ ही जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर सारे कर्जे माफ होंगे। बाकी योजनाओं के बारे में भी जो हमारे वचन पत्र में माननीय कमलनाथ जी ने लिखा था, उस वचन पत्र के माध्यम से हमारे सारे नेताओं ने भी बताया, वो सारे कार्य प्रारंभ किए गए हैं। हमारा देश किसानों का देश है, हमारा प्रदेश और हमारा जिला भी किसानों का जिला है। हमने देखा कि इस देश में जब खाने के लिए अकाल पड़ता था तो गेहूं अमेरिका से आता था, लेकिन हमारा किसान ठंड, गर्मी, धूप, बरसात में मेहनत करके अपना अनाज पैदा करता है और जब मंडी में जाकर बेचता है तो उसे 4 दिन तक लाइन लगना पड़ता है, और 4 दिन तक लाइन लगने के बाद कपिल भाई जब पैसा जिला सहकारी बैंक में आता है तो उसकी इच्छा के अनुसार पैसा नहीं मिलता है, 2-2, 5-5 हजार रुपए और इस तरह से पैसा मिलता है किसान को। किसान अपना काम नहीं कर पाता, किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से कोई काम नहीं कर पाता, और इस तरह से जो हमारी जमीन की कीमत 12 लाख रुपए एकड़ थी, बलराम भाई ने बताया वो आज 4 लाख रुपए में खरीदने वाला नहीं है। जब हम खरीदते थे 12 लाख वाली, अब 4 लाख का खरीददार नहीं है। प्रश्न इस बात का है, जो अर्थव्यवस्था को बिठाया है,
जो अर्थव्यवस्था को पीछे किया है वो कैसे पीछे हुई है, उसको पीछे करने के लिए और उद्योगपतियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को आगे लाने के लिए मोदी जी ने काम किया। अगर मोदी जी यही काम किसानी के क्षेत्र में करते, किसानों की आमदनी दुगनी होती, किसान आत्महत्या को मजबूर नहीं होता और आज देश और ज्यादा तरक्की करता और अर्थव्यवस्था का जो पहिया रुका हुआ है वो तो और तेज चलता। लेकिन ये हमारे देश के किसानों का दुर्भाग्य है कि 1,00,000 किसान आत्महत्या कर चुके पूरे देश में और 16,000 किसान मध्य प्रदेश में आत्महत्या कर चुके हैं। ये आप खुद किस्मत हो कि 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटी है और एक नया सवेरा कांग्रेस पार्टी के रूप में मध्य प्रदेश में हुआ है। आप ये मानिए, सेवा करने का माध्यम कोई सत्ता या पद नहीं होता, सेवा बगैर पद के भी की जा सकती है, बगैर सत्ता के भी की जा सकती है और बगैर किसी ताज पोशी के भी की जा सकती है। सर, जहां तक भाई बलराम पटेल ने भी कहा कि मैं किसान का दर्द नहीं देख सकता और मैं उनकी सेवा करता हूं, तो ये कोई इनको कोई पद थोड़ी मिला है, ये आदमी की इच्छा होना चाहिए। आदमी अपनी इच्छा से सेवा करने के लिए आता है। जो व्यक्ति 10 साल तक आपके बीच में कभी सेवा करने नहीं आया लेकिन आपने उसको अवसर दिया, वो सदन के नेता सदन के लिए चुने गए, मैं उनको बधाई देता हूँ। और साथ में इस बात के लिए मैं कहूंगा कि ये चुनाव था, एक प्रतियोगिता थी, वो खत्म हो गई, कोई शत्रुता किसी के बीच में नहीं होती है। चुनाव प्रजातंत्र की मजबूती के लिए होता है, सत्ता परिवर्तन के लिए होता है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई के लिए नहीं होता है। हमें विकास करना है, हम विकास करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर के विकास करेंगे, हमारी पार्टी के सारे लोग मिलकर के विकास करेंगे। और मध्य प्रदेश में और होशंगाबाद जिले में और सिवनी मालवा में कपिल भाई जो भी हो सकता है हम आपके नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और वो सब काम करेंगे, बेरोजगारों के लिए रोजगार के धंधे लगाने के लिए बात करेंगे और भी जो काम हो सकता है वो सारे काम करेंगे। जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है 15 साल की, उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने का काम किया जाएगा। यहाँ पर किसी को ना पहले परेशानी थी ना आज परेशानी है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा लेकिन कांग्रेस का हमारा कोई कार्यकर्ता परेशान नहीं हुआ, ना कांग्रेस के किसी नेता के ऊपर कोई मुकदमा बना। हम लोग खुद इतने सक्षम है, सत्ता हो या ना हो, क्योंकि हमारा कोई गलत काम नहीं है, हम कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे हमारी कोई शिकायत हो या हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो। हमारी पार्टी का कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिन्होंने किसी तरह का गलत काम किया हो। हम लोग शुरू से नियम कानून और कायदे के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है उसके सारे नेता उसके सारे कार्यकर्ता नियमानुसार काम करते हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, कोई डंपर नहीं चलाते हैं। आपने देखा होगा पिछले 10 दिनों से डंपर की आवक जावक कम हो गई, क्यों है? डंपर की आवक जावक बंद हो कम हो गई है और भी सारे काम बंद हो जाएंगे। गलत काम का जब यहाँ का नेता कहता है, यहाँ से निर्वाचित प्रतिनिधि कहता है कि निडर होकर काम करो, तो हम भी कहते हैं कि निडर होकर काम करो, ईमानदारी से काम करो, सही काम करो। और उनको ये कहने के लिए 10-15 साल अवसर मिला कि 15 साल बाद उन्होंने मंच से कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। तो इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 15 वर्षों से शिवराज जी की सरकार थी और आज हमारे दल में आए माननीय सरताज सिंह जी, वो भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे और मंत्री थे, वो भी सज्जन पुरुष हैं। लेकिन उनके आने के बाद और होशंगाबाद से चुनाव लड़ने का जो उनका फैसला हमारे नेताओं के द्वारा किया गया, वो फैसला भी किन परिस्थितियों में हुआ, क्या हुआ, ये कपिल भाई जानते होंगे, लेकिन वो फैसला होशंगाबाद जिले के पक्ष में नहीं था। लेकिन ठीक है, हम सारे निर्णय सुरोधार्य करते हैं। और एक बार पुनः मैं कहीं और नहीं जाते हुए 2019 के चुनाव के लिए आपसे एक बात निवेदन करने आया हूं कि 2019 के चुनाव के लिए हम फिर सभा करेंगे और सब बैठेंगे और बात करेंगे। और 2019 में भी मैं बता देता हूं कि राहुल गांधी ही इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी ही इस देश का नेता है, राहुल गांधी ही नेता रहेंगे। झूठ बोलने वाले लोगों का समय छोटा होता है। मैं जब जब जो कहता हूं वो होता है। मैंने कहा था मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, बन गई। जिस समय मैं लोकसभा का लड़ा तब भी कहा था कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब भी बन गई। और अब फिर कह रहा हूं कि 2019 के मई महीने में मध्य हिंदुस्तान की लाल किले के ऊपर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बनेगी, बनेगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब हमारे सभा के अध्यक्ष पंडित आदरणीय रघुनंदन शर्मा जी अपना उद्बोधन आभार सभा के माध्यम से देंगे।